जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB जूनियर इंजीनियर यानी कि JEE ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आप लोग 29 अगस्त 2024 तक भर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरे अच्छे से बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि आपको यहां पर जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक समय समय पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ये आप ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा 7,951 पोस्ट निकाली गई है। फीस आपको क्या पे करनी है वो आप देख सकते हैं। एज लिमिट आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा या डिग्री की योग्यता मांगी है। कौन से RRB के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी वो सब आप यहां पर चेक कर लेंगे। क्वालिफिकेशन आप यहां पर देख लेंगे। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपने RPF कांस्टेबल SI का फॉर्म भरा था, टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था और साथ ही ALP का भी फॉर्म भरा था। तो अगर आपने उस वक्त फॉर्म भरा था इनमें से कोई भी, तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके यहां पर लॉगिन कर लेंगे। अभी गाइज यहां पर इस वीडियो को जिस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं आपको दिखाता हूं, रात के 1:40 हुए हैं और अभी इसमें एक एरर ये आ रहा है कि आप कैप्चा नहीं देख पा रहे, और जब तक आपको कैप्चा देखने को नहीं मिलेगा तब तक आप इसमें लॉगिन नहीं कर सकते। तो यहां पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, या फिर जो आपका होम पेज है इसके ऊपर जो आपको टेक्निकल नंबर दिए, नंबर के ऊपर आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि उनको इसके बारे में पता चले और ये जो प्रॉब्लम है वो खत्म कर सके। अभी आप यहां पर अगर फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपने इनमें से कोई भी फॉर्म भरा था तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहां पर इस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है अगर आप इंडिया से है। फिर आप यहां पर आपका फुल नेम एंटर करेंगे और ये जो आप यहां पर फुल नेम आपका भर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना है। फिर आपको यहां पर आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन आपसे पूछा कि क्या आपने आपका नाम कभी बदला है, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहां पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए और यहां से जो भी आपका ईयर है वो सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में जो आपका मंथ है वो आपको सेलेक्ट करना है एंड देन फिर आप यहां पर डे सेलेक्ट कर लेंगे। इसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहां से आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे और जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको यहां पर आपका फादर का नेम एंटर करना है और ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। फिर इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए एंड देन जो आपकी माताजी का नाम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद इसको भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर गाइज यहां पर आपको आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो डालना है और उसके बाद में वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको बोला है कि माई आधार डिटेल आर सेम एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट, यानी कि अगर आपका जो जानकारी 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है जिसमें कि नाम डेट ऑफ बर्थ है, यही जानकारी अगर आपकी आधार कार्ड के अंदर भी है तो आप यहां पर टिक कर देंगे। अगर आपकी जानकारी आधार कार्ड के अंदर अलग है और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अलग है तो आप इसको अनटिक करके यहां पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जानकारी भरेंगे। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपकी जानकारी 10th के सर्टिफिकेट के अंदर भी सेम है और आधार कार्ड के अंदर भी सेम है तो फिर आप इसके ऊपर टिक करके यहां पर टिक करेंगे एंड देन वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और मैं अभी उनके लिए जानकारी बता रहा हूं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और वो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर उनको यहां पर आधार कार्ड के अलावा कोई एक अन्य आईडी सेलेक्ट करनी होगी। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर यहां पर डालना होगा और किसके द्वारा ये आईडी आपकी जारी हुई है वो इश्यूंग अथॉरिटी का नाम आपको यहां पर देना होगा और कहां से इशू हुई है उस पैलेस का नाम भी आपको यहां पर देना है। फिर आप यहां पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, जनरेट ईमेल ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आप यहां पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। सेम तरीके से नंबर डालना है, जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है और वो ओटीपी आपको यहां पर डाल देना है और इसके बाद में आपको यहां पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में आपको यहां पर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही कोई एक डिजिट ये इस्तेमाल करने हैं एंड देन उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आप वेरीफाई करेंगे और उसके बाद ये कैप्चा कोड यहां पर डाल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहां पर आपके रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू आ जाएगा। आप उसको वेरीफाई करने के बाद में
यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो रिलेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। पर गाइज अभी मुझे यहाँ पर ये जानने को मिल रहा है कि जो अभी आपके रिसेंटली RRB ALP के फॉर्म आए थे उसमें आपने जो रिलेशन किया था वही रिलेशन आपका यहाँ पर भी काम आने वाला है, क्योंकि जब मैं अपनी वही वाली ईमेल आईडी यहाँ पर डाल करके जनरेट OTP कर रहा हूँ तो आ रहा है कि मेरी ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि उन कैंडिडेट को दोबारा से रिलेशन करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने ALP का फॉर्म भी भरा था। तो बेसिकली अगर आप फ्रेशर है तो आपको जैसे कि मैंने बताया ऐसे आपको रिलेशन कर लेना है, एंड अगर आपने पहले से ALP के अंदर फॉर्म भरा था और अभी आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो फिर डायरेक्टली अब आप यहाँ पर लॉग इन करेंगे। गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके सामने कैप्चा की प्रॉब्लम आ रही होगी जहां पर आपको आपका कैप्चा दिखाई नहीं दे रहा है और आप बिना कैप्चा भरे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर जाकर के अपना अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते तो तब भी यहाँ पर कैप्चा नहीं आता, और अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आप इसमें लॉग इन करना चाहते हैं डायरेक्टली तो भी आप यहाँ पर कैप्चा नहीं देख सकते। मैं ये वीडियो रात के अभी किस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आपको दिखाई देता हूँ, अभी रात के 1:36 हुए हैं और मैं वेट कर रहा था कि कब ये प्रॉब्लम खत्म हो, क्योंकि कल जब इसमें ALP के फॉर्म मॉडिफाई या फिर कह लीजिए कि जोन चेंज शुरू हुए थे तो तब भी ये वेबसाइट थोड़ा लेट जाकर के काम करना शुरू की थी, और ऐसे में मुझे लगता है कि ये भी टेक्निकल इशू है जो कि जो टेक्निकल टीम है उनका ध्यान इसके ऊपर नहीं गया होगा, जो कि कुछ टाइम के अंदर सही कर ली जाएगी। अभी मैं आपको जो आगे का प्रोसेस है वो जब मैंने टेक्नीशियन का फॉर्म आया था उसके लिए वीडियो बनाई थी उससे बता रहा हूँ, क्योंकि गाइज इसमें आपको सेम ही वेबसाइट से फॉर्म को भरना है, और अगर आपने पहले उनमें से कोई भी फॉर्म भर लिया था चाहे ALP चाहे टेक्नीशियन चाहे कॉन्स्टेबल एंड SI तो आप यहाँ पर उसी इन्फॉर्मेशन को फैच करेंगे, आपको दोबारा से अपनी नई इन्फॉर्मेशन भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप आगे वीडियो को देखते रहिए और जैसे ही कैप्चा का एरर खत्म होगा तो आप आगे इस वीडियो को देख करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिएगा, तो वीडियो आप देखते रहिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में गाइज मेरी जानकारी यहाँ पर फैच कर ली गई है, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि पहले ALP का फॉर्म भरा था तो उस वक्त जो जानकारी भरी थी वही यहाँ पर मेरी ऑटोमेटिकली आ गई है, मुझे इनको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके सामने आपकी जानकारी नहीं आती है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर ये सब जानकारी भरनी होगी, जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इसके अलावा यहाँ पर आपको फिर आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अकॉर्डिंग नाम देखने को मिलेगा, फादर नेम देखने को मिलेगा, मदर नेम देखने को मिलेगा, जेंडर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, मैरिड या फिर अनमैरिड, रिलीजन आपका क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा कि जो छूट मिलती है SC ST को क्या वो आप लेना चाहेंगे, अगर आप SC ST है अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आता है इसके पहले आपको चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जाम, तो आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम देना चाहेंगे वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो लैंग्वेज आप यहाँ पर एक बार सेलेक्ट कर देंगे फिर उसी लैंग्वेज में आपको आपका एग्जाम देना होगा। इसके बाद है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं मिलता तो आप नो मार्क लिख दीजिए, अगर कोई एक निशान है तो पहले वाले में निशान के बारे में लिख दे और दूसरे में नो मार्क लिख दे, क्योंकि दोनों ऑप्शन फिल करने अनिवार्य है। फिर आती कम्युनिटी यानी कि कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अगर मैंने SC सेलेक्ट किया तो फिर आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है। इसके बाद इश्यूंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, इसके लिए आप यहाँ पर सक्षम अधिकारी सबसे लास्ट में आएंगे और देखेंगे तहसीलदार, तो अगर आपका यहाँ पर कुछ और लिखा है तो फिर आपको उसी पोस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, उसी अथॉरिटी को आपको सेलेक्ट करना होगा। मेरा यहाँ पर तहसीलदार है जिसका मतलब है तालुका मजिस्ट्रेट, तो मैंने तहसीलदार ये तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट कर लिया। फिर इश्यूंग स्टेट, किस स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ इशू आप यहाँ पर देख सकते हैं जारी दिनांक आपकी दी गई है, एंड जो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक है ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है जो कि आप यहाँ पर इसमें भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको डेट ऑफ इशू दे देनी है और फिर आपको बताना है कि जो छूट मिलती है ट्रैवल पास के लिए क्या आप वो लेना चाहेंगे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम आप यहाँ पर देंगे। फिर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है, आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके ब्राउज पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है फाइल सेलेक्ट करके यहाँ से इस तरह से ओपन करेंगे और सेव कर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस देखने को मिलेगा इस तरह, तो जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर ले, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका एड्रेस, इसके बाद में आपका विलेज, टाउन या फिर सिटी कौन सी है वो डाल दे और अपना पिन कोड भी फिल कर दे। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर नीचे इस वाले बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे, अगर एक नहीं है अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर कुछ और जानकारी मांगी है, जहाँ पर पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे।
क्या आप विकलांग है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर है? EBC यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप एक इंप्लॉई है इंडियन रेलवे के? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर यहाँ पर क्या आप करंट इंप्लॉयमेंट है, यानी कि रेलवे के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं जैसे कि सेंट्रल स्टेट PSU, तो आप वो सेलेक्ट कर लें। नहीं करते तो आप नॉट एप्लीकेबल को क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछा कि आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अगर आपने एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट किया तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर बैंक डिटेल देनी है जिसमें कि आपको नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर और उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। IFSC कोड डालते ही यहाँ पर जैसे आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैंक का नेम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाएगा। इसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। तो यहाँ पर मेरी 10th की जानकारी ऑलरेडी भरी हुई है। अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे इसको तो इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको पहले मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपके स्टेट जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपने 10वीं की है, आपके बोर्ड का नाम, कब आपने पास कर ली थी, वो डेटा आप सेलेक्ट कर लेंगे और 10th का रोल नंबर भी आप यहाँ पर दे देंगे। फिर आप यहाँ पर 3-year डिप्लोमा, बैचलर ऑफ साइंस, डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो इनमें से किसी भी एक क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपको आपका डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है, आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने किया है, फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने किया है, और फिर आपको नेम ऑफ पॉलिटेक्निक या फिर इंस्टीट्यूट, तो कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है उसका नाम आपको यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट का देना है। डेट ऑफ पासिंग, कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी, वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड देन गाइज आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब अगर आपके पास डिग्री भी है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने फोटो एंड साइन का ऑप्शन आएगा, तो आपको आपका फोटो अपलोड करना है जिसका साइज आपका जो कितना होना चाहिए उसके बारे में अगर बात करें तो 30 से 70 KB के बीच में रखा है। पिक्सल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है और साइज है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो पूरा आपको यहाँ पर एग्जांपल देकर के भी दिखाया है, तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए जहाँ पर भी आप फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। एंड देन फिर यहाँ पर अगर आप इसको जूम इन जूम आउट करना चाहते तो वो कर लीजिए, नहीं तो राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। आपको आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट रखना है। मैंने ये फॉर्म डेमो के लिए भरा तो मैंने एक रैंडम फाइल यहाँ पर सेलेक्ट की है। इसके बाद आप यहाँ पर जहाँ पर आपका साइन है वो सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और इसको भी यहाँ पर राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इस तरह से ले आएंगे। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको आपकी प्रेफरेंस दे देनी है, तो मैं इस नंबर इसको पहले पर देता हूँ, फिर इसको सेकंड पर एंड उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, टिक करता हूँ और पैलेस यानी कि कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है उस पैलेस का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड देन आप सेव करेंगे और फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे। एंड उससे फिर अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप उसको सही कर लेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने सभी जानकारी चेक कर ली है, अब मैं यहाँ पर टिक करता हूँ और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। अब जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पे नाउ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।